शाइस्ता पर गहराया सियासी कलेश, माफिया कहने पर भड़के अखिलेश, क्योंकि पुलिस ने शाइस्ता पर शिकंजा कसते हुए उसे माफिया घोषित किया है, जिस पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन जो बात शाइस्ता को लेकर अखिलेश ने कही है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अब तक अखिलेश ने अतीक और अशरफ की हत्या पर कोई बड़ा स्टैंड नहीं लिया। ऐसे में अब शाइस्ता परवीन को माफिया लिखे जाने पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या अखिलेश यादव ने एक नई राजनीतिक संकेत देने की कोशिश की है? शाइस्ता को माफिया कहने पर अखिलेश लाल, भाजपा ने उठाए सवाल। मुस्लिम वोट के खिसकने का डर या सपा की सोची समझी चाल? भले ही पुलिस शाइस्ता को अब तक पकड़ नहीं पाई है, लेकिन उस पर कानूनी शिकंजा लगातार जारी है। इसी शिकंजे को कसते हुए पुलिस ने शाइस्ता को माफिया घोषित किया था, लेकिन पुलिस के द्वारा शाइस्ता को माफिया कहने पर अब अखिलेश इस अदर लाल हुए हैं कि उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। देखिए, ये पुलिस को चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पुलिस को चला रही है बीजेपी। ये पुलिस की भाषा नहीं है, ये बीजेपी की भाषा है। एक महिला को इस तरह कहना, ये बीजेपी की भाषा है, मुख्यमंत्री की भाषा है, और ये नफरत से चुनाव जीतना चाहते हैं। अब अखिलेश के इसी बयान पर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने इसे अखिलेश की मुस्लिम तुष्टिकरण वाला बयान बताते हुए मोर्चा खोल दिया है। परवीन को माफिया बताने पर अखिलेश यादव जी रो रहे हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि जिस प्रकार से लोग तुष्टिकरण की नीति के हिसाब से जो काम करते हैं और वोट बैंक की जो राजनीति करते हैं, यही कारण है। ये माफियाओं को संरक्षण देते हैं और आतंकवादियों को छोड़ने की वकालत करते हैं। देखिए, जिस तरह का मुस्लिम तुष्टिकरण से आगे बढ़कर अखिलेश यादव आजकल माफिया तुष्टिकरण पर आमादा है। उमेश पाल की पत्नी को विधवा बनाने का सुनियोजित षड्यंत्र रचने वाली शाइस्ता को माफिया नहीं तो क्या देवी कहा जाएगा? जो अपराध में संलिप्त हो, जो गिरोह का संचालन कर रही हो, राजू पाल की विधवा, उनकी अपनी विधायक है, उसके साथ सहानुभूति अखिलेश यादव को नहीं होती है? उमेश पाल की पत्नी के साथ सहानुभूति नहीं होती है? लेकिन जो बात शाइस्ता को लेकर अखिलेश ने कही है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल अभी तक अखिलेश यादव को अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर कोई बड़ा स्टैंड लेते नहीं देखा गया था। ऐसे में अब शाइस्ता परवीन को माफिया लिखे जाने पर सवाल खड़े कर अखिलेश यादव ने एक नई राजनीति के संकेत दे दिए हैं, क्योंकि अखिलेश को डर है कि कहीं उनका मुस्लिम वोट उनसे दूर न हो जाए। यही वजह है कि अब तक चुप रहे अखिलेश अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। लेकिन भले ही अखिलेश शाइस्ता के माफिया कहने पर सवाल खड़े करें, लेकिन पुलिस ने शाइस्ता की हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी कर ली है। शाइस्ता परवीन को पुलिस ने पहले माफिया करार दिया और अब उसकी हिस्ट्री शीट खोले जाने की तैयारी है। लेकिन अहम सवाल ये उठता है कि आखिरकार 50,000 रुपए की इनामी शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी कब होगी? कब तक वो पुलिस से चार कदम आगे नजर आएगी? उसे कब पकड़ा जाएगा और उमेश पाल शूटआउट केस का खुलासा कब होगा? लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब तक पुलिस शाइस्ता को क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाई है? क्या पुलिस का खुफिया तंत्र फेल हो गया है जो 2 महीने में भी एक महिला को खोज नहीं पाया है? प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।